में सीपीआईएम नेता सुभाष मुंडा की हत्या से राजधानी ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। हत्या के बाद से ही आम जनता में डर और आक्रोश दोनों ही हैं। आक्रोशित भीड़ ने कई बार सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया, तो वहीं अब झारखंड बंद का आह्वान किया गया है। इस बीच हत्या पर सियासत भी गर्मा गई है। इस बार बवाल है लॉयर ऑर्डर का और निशाने पर है प्रदेश सरकार। देखिए रिपोर्ट। सवालों में झारखंड की कानून व्यवस्था, सीपीआईएम नेता की गोली मारकर हत्या, हत्या के बाद राजधानी रांची में बवाल, लॉ एंड ऑर्डर पर सियासी उबाल, रांची की सड़कों पर संग्राम मचा है। नेता की हत्या ने जनता को आक्रोश से भर दिया है। सड़कों पर उतरी जनता न सिर्फ आक्रोशित है बल्कि उनमें डर भी है और सवाल भी। डर ये कि अगर जनप्रतिनिधि की सुरक्षा की गारंटी नहीं है तो आम जनता का क्या होगा, और सवाल ये कि क्या प्रदेश की कानून व्यवस्था ठप हो चुकी है, क्या बदमाशों को खुली छूट मिल गई है। रांची में बेखौफ अपराधियों ने गढ़ी थाना क्षेत्र के दलादली चौक के पास सीपीआई कार्यालय में घुसकर आदिवासी नेता सुभाष मुंडा को गोली मार दी। आनन फानन में उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर मिलते ही जनता आक्रोशित हो गई और भीड़ ने दलादली चौक को जाम कर दिया। ये लोग मांग कर रहे हैं कि रात भर में आपने क्या किया कातिल को पकड़ने के लिए, और एफआईआर हुआ है नहीं हुआ है थाना वाला जाने, और अगर एफआईआर लिखना चाहेंगे तो हम लोग सबको सपोर्ट करने के लिए यहाँ तैयार है। यहाँ जितना प्रक्रिया है प्रशासन का पुलिस का हम लोग सपोर्ट के लिए तैयार है, लेकिन हम लोग नगरी थाना और अगल बगल के थाना से अपील करते हैं कि आज जगह जगह पर बंदी कराए उनके माध्यम से, और नहीं तो हम लोग हटने वाले नहीं है। प्रशासन हम लोग को मर्डर कर दे, हम लोग को गोली मार दे, लेकिन आज हम लोग हटने वाले नहीं है। ये दो दिन पहले ही माननीय मुख्यमंत्री वरीय पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक करके राज्य की विधि व्यवस्था को लेकर के चिंता जताए, और एक दिन भी ठीक से नहीं बीता कि दूसरे ही शाम को सुभाष मुंडा जैसे माकपा के और आदिवासियों के होनहार नेता की हत्या, ये राज्य की विधि व्यवस्था को चुनौती देने वाला मामला है। तो ये राजनीतिक हत्या के साथ इसका तार जुड़ा हुआ है और इसकी उच्च स्तरीय जाँच की जरूरत है। बुधवार रात से शुरू हुआ बवाल का सिलसिला गुरुवार तक चलता रहा, जहां शव के पोस्टमार्टम के बाद एम्बुलेंस को रोककर स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया और हत्या से गुस्साए लोगों ने रिंग रोड को पूरी तरीके से जाम कर दिया। इधर हंगामे को देखते हुए इलाके में सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की गई है। देर रात सीपीएम नेता सुभाष मुंडा की हत्या के बाद से पूरे इलाके में रोष व्याप्त है। घटनास्थल पर ग्रामीण एसपी खुद मौजूद हैं। सर, फिलहाल क्या स्थिति है? पूरा समाज के साथ साथ पुलिस डिपार्टमेंट भी इनके हत्या से मर्माहत है। डेड बॉडी को हम लोगों ने पोस्टमार्टम के बाद लिया के परिवार को सुपुर्द किया है, और परिवार के लोग समाज के लोग ले जाके अंत्येष्टि की प्रक्रिया में लग गए हैं। एक्सेल के माध्यम से अहम जानकारियां मिली। हमको लगता है कि बहुत जल्दी ही अपराधियों तक पहुंचने में हम लोग सक्षम रहेंगे और सबको माननीय न्यायालय के समक्ष हम लोग उपस्थापित करेंगे। इस वारदात ने पूरे झारखंड को और खास करके राजधानी रांची की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं, क्योंकि राजधानी में ताबड़तोड़ गोलीबारी और हत्या की खबरें सुर्खियां बटोर रही हैं। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो 12 मई रांची में युवती की गोली मारकर हत्या, 12 जून चुटिया में ऑटो चालक की गोली मारकर हत्या, 5 जुलाई सुखदेव नगर में युवक की गोली मारकर हत्या, 7 जुलाई कोयला कारोबारी रंजीत गुप्ता को अपराधियों ने गोली मारी,
16 जुलाई होटल संचालक मुख्तार अंसारी पर फायरिंग, 16 जुलाई रांची के कोकर इलाके में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म, 17 जुलाई रांची के डोरंडा इलाके में नाबालिग लड़की से गैंगरेप, 18 जुलाई एटीएस डीएसपी और दारोगा को अपराधियों ने गोली मारी, 26 जुलाई रांची में एक बुजुर्ग महिला स्नैचर्स की शिकार, 26 जुलाई सीपीआई नेता सुभाष मुंडा की गोली मारकर हत्या। ये आंकड़े बताने को काफी हैं कि रांची में बदमाशों के मन में पुलिस का खौफ बिल्कुल नहीं है, जिसका नतीजा है कि एक जाने माने नेता को उसके दफ्तर में घुसकर गोलियों से भून दिया जाता है। हत्या के बाद नगरी थाने को सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन अब इस मामले पर सियासत जोर पकड़ने लगी है। देखिए, झारखंड में जिस प्रकार से कानून व्यवस्था बिहार की तरह बिगड़ी है और राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसकी निंदा करता हूं और उस सरकार की भी कमोबेश स्थिति बिहार की है। इसलिए लगातार झारखंड में भारतीय जनता पार्टी इस सरकार के गलत कदम का लगातार विरोध कर रही है और झारखंड की सरकार बिल्कुल निरंकुश हो गई है। ये एक जांच का विषय तो होगा ही, जाहिर सी बात है। मुझे बहुत ज़्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन जानकारी प्राप्त करूँगा। कोई भी घटना किसी भी स्तर पे, अगर गुंडागर्दी का हो, पुलिस का हो, आपसी झगड़े हो, उसमें जब मौत हो जाती है तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट होती है। यह जो सिचुएशन है ये बहुत ख़राब है और मेरे ख्याल से उसकी भी जांच झारखंड सरकार ज़रूर करा रही होगी। अगर किसके ज्ञान पर खतरा हो सकता है, ये तो पुलिस को देखना काम है, लेकिन पुलिस जब घटना घट जाती है तब मौके पर पहुंचती है, तब तक तो अपराधी फरार हो चुके होते हैं, अपराधी पकड़े नहीं जाते हैं। मैं इतना कहना चाहूँगा कि भाई ये घटना ना घटे, किसी के जान माल की दुर्घटना ना हो, ये देखने की जिम्मेवारी पुलिस प्रशासन की है। और आप दिन रात सुबह शाम कभी भी देख सकते हैं यहाँ दिन दहाड़े हत्या हो जाए। रांची की इस वारदात के बाद जो सबसे बड़ा सवाल उठता है वो ये कि कहाँ है कानून व्यवस्था। कुछ दिनों पहले ही सीएम ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया था कि किसी भी तरीके से अपराध पर लगाम कसी जाए, तो सीएम के निर्देश का पालन क्यों नहीं हुआ? क्यों बेखौफ बदमाश राजधानी की सड़कों पर मौत का तांडव कर रहे हैं? रांची से सूरज कुमार, कुमार चंदन और महक मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ स्टेट, बिहार, झारखंड।